खबर शामिल करते हैं बैनुल अक्वामी मंजरनामे से। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक फिक्रमंद होना चाहिए लेकिन घबराना नहीं। व्हाइट हाउस में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस और फैलाव से मुतालिक खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम ओमिक्रॉन से निमटने के लिए तैयार हैं, ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अमेरिकी सदर का कहना था कि मुकम्मल वैक्सीनेटेड और बूस्टर खुराक लगवाने वाले महफूज हैं, ताहम जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए खतरा है। वैक्सीन ना लगवाने वाले जल्द खुद को वैक्सीनेटेड कर लें। सरहद के करीब नेटो फौजी तंसीबात पर रूस की हमले की धमकी। रूसी वजारत दिफा की मीटिंग में सदर व्लादिमीर पुटिन ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ जारहाना रवैया तर्क ना किया तो रूस फौजी कार्रवाई करने में ज़रा नहीं हिचकिचाएगा। बैनुल अक्वामी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्लादिमीर पुटिन का कहना था कि नेटो यूक्रेन में फौजी तंसीबात कर रहा है जिसकी वजह से रूस पर दागे जाने वाले मिजाइल हमलों का वक्त घटकर 7 से 10 मिनट तक हो जाएगा। मजकूरा बाला हकीकत को मद्देनजर रखते हुए पुटिन का कहना था कि रूस ऐसे हालात में तमाम जवाबी कार्रवाइयाँ करने में हक बजानब होगा। फिलिपाइन में समंदरी तूफान राई से हलाकतों की तादाद 375 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 500 अफराद जख्मी और 10 लाख अफराद बेघर हुए। समंदरी तूफान के एक हफ्ते बाद भी वसी इलाका जेरे आब है। तूफान से मुतासर इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम मुअत्तल है। मुतअद्दिद सड़कों और ट्रेन की पटड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। पानी भरने, दरख्त गिरने और सड़कों के टूटने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है।